गाइज अभी हम आ गए हैं ज्वाला देवी मंदिर के एकदम पास। ये बगल में मंदिर है और जहाँ ये बगल में मंदिर है और जहाँ हम खड़े हैं वो पार्किंग है, प्राइवेट पार्किंग है। यहाँ दो तीन है प्राइवेट पार्किंग, उनका चार्जेस 50 रुपये है फोर व्हीलर का। वैसे अगर आप केवल ज्वाला देवी के दर्शन करने आ रहे हैं, पहले मतलब ज्वाला देवी के दर्शन करने हैं आपको, तो आप कांगड़ा की जगह यहाँ स्टे ले सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा लगभग 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे पड़ता है, फिर टर्न्स भी बहुत सारे होते हैं, तो लगभग एक घंटा लग जाता है मंदिर तक पहुँचने में। उससे बेटर है कि आप अगर आएँ तो सीधे यहीं स्टे लें, और सीधे बगल में मंदिर है, यही कुछ होटल लॉज वगैरह दिख रहे हैं हमें, एक ये एक वो होटल शर्मा दिख रहा है, काफ़ी अच्छे अच्छे भी हैं। हाँ, अब अच्छे का तो हम रुके नहीं तो पता नहीं है, तो होंगे अच्छे भी होंगे, बट कोशिश करना कि आप यहीं रुको। ये है ज्वाला देवी मंदिर का मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार। ज्वाला देवी मंदिर कांगड़ा घाटी से 30 किलोमीटर दक्षिण में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ज्वाला देवी मंदिर को ज्योतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वाला देवी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है, उन्हीं के द्वारा इस पवित्र धार्मिक स्थल की खोज हुई थी। इस स्थल पर माता सती की जीभ गिरी थी। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति के रूप में होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होगी, एंट्री लेते ही हमें पहले तो खाने पीने के लिए कुछ लेमन एमन सोडा वगैरह की शॉप मिली है, उसके बाद ये कुछ वूलन के लिए कपड़ों के लिए शॉप है, और देवी माँ के लिए चीनी वगैरह प्रसाद के लिए ये बहुत सारी शॉप है, तो आपको जो भी चाहिए हो यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो आप ले सकते हैं। ये डालने के डालो, दूसरा डालना दूसरा डाल देते हैं। ये बता रहे 100 रुपए की है, इसमें इसमें ऐसा नहीं है 100 रुपए की भेंट होती है, ये 100 रुपए की चुन्नी है। यह माता का जो माता का सैन कक्ष लगता है ना, ये इसमें बड़ी चुन्नी चलाई जाती है। अच्छा, ये जो चुन्नी है जहाँ माता की ज्योति जलती है वहाँ पे चलाई जाती है। अच्छा, और ये कहाँ चलाई जाती है? ये भी माता का जहाँ सैन कक्ष लगता है ना वहाँ चुन्नी और चार माता नहीं यूज करेंगे तो रखेंगे, आपको सिर्फ ना तो उसमें प्रसाद वापस आएगा। हाँ, आपकी नारियल चुन्नी श्रृंगार झंडा ये माता के मंदिर में चल रहा है, ये वापस नहीं। ये हमने ले लिया है श्रृंगार का सामान सागर प्रसाद भंडार से। श्रृंगार मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैंने ये डलवाया है अलग से, और चुन्नी भी मैंने अपने मन की पसंद की डलवाई है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये भी तो ये डलवाया अलग से, मैंने कस्टमाइज करवाया है, तो ये लिया है हमने, और ये लिया है सागर प्रसाद भंडार से 22 नंबर शॉप से। माता रानी थैंक यू सो मच। Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know. रास्ते में सूखे कचरे और विलेज कचरे के लिए डस्टबिन बने हुए हैं, तो आप केवल डस्टबिन में ही कचरा थ्रो करें। और ये मैंने एक ले लिया है गुलाब के लिए भी, सॉरी गुलाब का क्या, गुलाब का गुलाब, बहुत सारे गुलाब हैं इसमें 5-6। यहाँ से कुछ 800 मीटर चल के हम आए हैं, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई हैं, फिर वहाँ देखो एक शिव शक्ति का कितना प्यारा वो बना हुआ है, शिव और शक्ति का। शक्ति पीठ श्री ज्वालामुखी देवी पे ये PNB का ATM लगा हुआ है, कार्यालय है इनका, वो प्रसाद भंडार है, और ये मंदिर दिख रहा है, ये पीने का पानी भी है, लंगर भवन भी है। ये तारा देवी का मंदिर दिख रहा है मुझे, श्री तारा देवी। इस तरफ दिख रहा है मुझे लाल शिवालय कुछ है, यहाँ भी आ रहे हैं
दर्शन करके। ये देखो लाल शिवालय, ये यहाँ दोनों तरफ शेर बने हुए हैं, एक ये एक ये। पूरे भारतवर्ष में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिन सभी की उत्पत्ति कथा एक ही है। यह सभी मंदिर शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार इन सभी स्थलों पर देवी के अंग गिरे थे। शिव के ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह शिव को अपने बराबर का नहीं समझते थे। यह बात सती को काफ़ी बुरी लगी और वह बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गई। यज्ञ स्थल पर शिव का काफ़ी अपमान किया गया, जिसे सती सहन ना कर सकी और वह हवन कुंड में कूद गई। जब भगवान शंकर को यह बात पता चली तो वह आए और सती के शरीर को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे, जिस कारण सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। पूरे ब्रह्मांड को इस संकट से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में बांट दिया। जो अंग जहाँ गिरा वह शक्तिपीठ बन गया। मान्यता है कि ज्वाला जी में माता सती की जीभ गिरी थी। इतनी लंबी लाइन है ज्वाला देवी दर्शन के लिए। उधर उस तरफ व्हाइट कलर का जैसा मंदिर है और ये लाइन लगी हुई है, हम इतने पीछे हैं। बहुत लंबी लाइन है, ये दोनों बैठ चुके हैं यहाँ पे और लाइन आप देख सकते हैं। OMG, हे प्रभु माता रानी। यहाँ से 2-3 बार घूमते हुए लाइन आएगी, तब ये यहाँ पे आ पाएगी और फिर वहाँ दर्शन कर पाएंगे हम। ये देखो, एक बार इधर से घूमेगी, फिर एक बार इधर से घूमेगी, फिर एक बार इधर से घूमेगी, तब ये लाइन जाएगी और वहाँ पहुँच पाएंगे हम। ये पता है इतना घुमाता क्यों बनाया जाता है? जैसे कभी कोई धक्का मुक्की हो ना, हाँ, लोग गिरे ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़े ना, क्योंकि इतने घुमाव हो जाएंगे, हाँ, कि लोग एक दूसरे को गिर नहीं पाएंगे। अच्छा। सीधी लाइन होगी, वो धक्का मुक्की में जो चोट लोट लगने का ज्यादा चांस होता है। अच्छा। मंदिर का मुख्य द्वार काफ़ी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाया था। उसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। मंदिर में अलग अलग 9 ज्योतियाँ हैं, जिसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हैंड वॉश के लिए नल लगा हुआ है, पीने का पानी भी है। पीने का पानी भी है। अच्छा। पीछे रोमियो जूलियट थे, वो पी रहे थे। अच्छा। ये है मंदिर और ये है लाइन। इतनी सारी लाइन कवर करके हम आए हुए हैं और इतनी और करनी है, दिख रही होगी आपको। इतने में कितना टाइम लग गया पता नहीं हमें, तो आधा घंटा हो गया। आधा घंटा प्लस ही हो गया। हाँ, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। बारह बजे देखा, डेढ़ बज गया ना, कौन घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गए इतनी लाइन कवर करने में। ये अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र है। ज्वाला देवी मंदिर के संबंध में एक कथा काफी प्रचलित है। यह 1542 से 1605 के मध्य का ही होगा। तभी अकबर दिल्ली का राजा था। ध्यानुभक्त माता ज्योतावाली का परम भक्त था। एक बार देवी के दर्शन के लिए वह अपने गांव वासियों के साथ ज्वाला जी के लिए निकला। जब उसका काफिला दिल्ली से गुजरा तो मुगल बादशाह अकबर के सिपाहियों ने उसे रोक लिया और राजा अकबर के दरबार में पेश किया। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि वह अपने गांव वासियों के साथ कहाँ जा रहा है, तो उत्तर में ध्यानु ने कहा वह ज्योतावाली के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। अकबर ने कहा तेरी माँ में क्या शक्ति है और वह क्या क्या कर सकती है? तब ध्यानु ने कहा वह तो पूरे संसार की रक्षा करने वाली है, ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो वह नहीं कर सकती। अकबर ने ध्यानु के घोड़े का सिर कटवा दिया और कहा कि अगर तेरी माँ में शक्ति है तो घोड़े के सिर को जोड़कर उसे जीवित कर दे। यह वचन सुनकर ध्यानु देवी की स्तुति करने लगा और अपना सिर काटकर माता को भेंट के रूप में प्रदान किया। माता की शक्ति से घोड़े का सिर जोड़ गया। बादशाह अकबर ने देवी के मंदिर में सोने का छत्र भी चढ़ाया, किंतु उसके मन में अभिमान हो गया कि वो सोने का छत्र चढ़ाने लाया है, तो माता ने उसके हाथ से छत्र को गिरवा दिया और उसे एक अजीब धातु का बना दिया, जो आज तक एक रहस्य है। यह छत्र आज भी मंदिर में मौजूद है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में माँ के एक अनन्य भक्त थे गोरखनाथ, जो माँ की दिल से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उसने माता
से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माँ ने कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ का इंतजार करने लगी, पर गोरखनाथ अभी तक लौट कर नहीं आए। माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भक्त का इंतजार कर रही है। ये भोलेनाथ है ना? नहीं, गुरु गोरखनाथ। अच्छा, गोरखनाथ जी है। भोलेनाथ ही का गोरखनाथ जी। हाँ जी। और ये शिव जी का रूप है गोरखनाथ जी। ये सामने एकदम माता ज्वाला देवी है ये। मंदिर में आई थी तो इनको किसी ने प्रसाद दिया और ये पैसे दिए, तो इनको ये पसंद आ गया तो ये अपने पैसे से ये दे दो बेटा। अच्छा ठीक है, थैंक यू। बोलो हमें ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको? दोनों नहीं, एक ही डलवा डलवा डलो डलवा। टाइट तो नहीं है? सही है। हैप्पी बेटा। अरे अरे ठीक है बेटा, आ रहा कि नहीं आ रहा? गुंजन तो नहीं हो रही है? यही अच्छा लगा ना बेटा? एक रुको तो, एक मिनट ठंड पानी पहना दे आपको, इसमें ज्यादा बेटर है। ये क्यूट लग रही है। हाँ, कैसा लग रहा है? डर गई। अच्छा, मक्खी डर गई। ओह, अगर आपको ज्वाला देवी के दर्शन करने के बाद भूख लगती है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर कुछ भी करना है, तो ये पत्तेदार ढाबा थोड़ी पीछे वाली लाइन में पड़ेगा और बहुत सही है यहाँ का जो भी लंच डिनर है। हमने तो लंच किया है, बहुत टेस्टी है खाना और हाइजीनिक भी। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो ज्वाला टेम्पल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।